जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। आजादी से पहले रामपुर में नवाबों की हुकूमत थी, उनकी अपनी फौज, अपना रेलवे स्टेशन, अपना बिजली घर, अपनी अदालतें, यानी सब कुछ अपना था। देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन रामपुर के नवाब 2 साल बाद तक हुकूमत करते रहे। रामपुर में 1774 से 1949 तक नवाबों की हुकूमत रही। नवाब फैजुल्ला खां पहले और रजा अली खां आखिरी नवाब थे। फैजुल्ला खां 1774 में रामपुर के नवाब बने। इनके बाद मोहम्मद अली खां, ग़ुलाम मोहम्मद खान, अहमद अली खां, मोहम्मद सैद खान, यूसुफ अली खां, कल्ब अली खां, मोहम्मद मुश्ताक अली खां, हामिद अली खां और रजा अली खां नवाब रहे। जब बच्चे पैदा होते तब तोप के गोले दागे जाते थे। रामपुर के नवाब की देश भर के घरानों में बड़ी अहमियत थी। वो जब बाहर जाते तो दूसरे राज्यों में 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। नवाबों की बेशुमार दौलत थी, जिसका अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंटवारा हो रहा है। नवाब खानदान की संपत्ति 1073 एकड़ में फैली है। कोठी खास बाग का इलाका ही इतना बड़ा है कि इसमें एक और शहर बस सकता है। कोठी का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने कराया था। कोठी खास बाग और किला नवाबों की शान रहा है। अकेली कोठी खास बाग का एरिया 400 एकड़ है और सिविल लाइंस क्षेत्र में है। यह देश की पहली फुली एयर कंडीशनर कोठी है। इसमें 250 कमरे और सिनेमा हॉल समेत कई बड़े हॉल हैं। इस कोठी का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने कराया था। कोसी नदी के किनारे बनी इस कोठी के चारों तरफ बाग हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं। यूरोपीय इस्लामी शैली में बनी इस कोठी में नवाब का ऑफिस, सेंट्रल हॉल, सिनेमा हॉल और संगीत हॉल भी बने हैं। सेंट्रल हॉल में बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हैं। कोठी के मेन गेट पर गुंबद बने हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसकी सीढ़ियां इटालियन संगमरमर से बनी हैं। इसके बड़े बड़े हॉल बर्माटीक और बेल्जियम ग्लास के झूमरों से सजाए गए हैं। देश की पहली फुली एयर कंडीशनर कोठी नवाब जुल्फ़िकार अली खां उर्फ मिक्की मियां की पत्नी पूर्व सांसद बेगम नूर बानो बताती हैं कि यह देश की पहली फुली एयर कंडीशनर कोठी है। कोठी में बर्फ खाना बनाया गया है। इसमें लोहे के फ्रेम में बर्फ की सिल्ली रखी जाती है। इनके पास में 2 मीटर से भी बड़े साइज के पंखे लगे हैं। पंखे को चलाने के लिए 150 हार्स पावर की बिजली मीटर लगाई। पंखे की हवा बहुत तेज निकलती थी। कमरों तक हवा पहुंचाने के लिए पूरी कोठी के नीचे 2 फीट की पक्की नाली बनाई गई। इस सेंट्रल नाली से कमरों के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई गईं। इन नालियों के मुंह पर फ्रेम लगाए गए। इनसे ज़रूरत के मुताबिक ही हवा निकलती थी। इस सिस्टम की देखरेख के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम थी, लेकिन अब ये सिस्टम जंग खाकर बर्बाद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सारी संपत्ति पर मरहूम मुर्तजा अली खां के बेटे मुराद मियां और बेटी निखत आब्दी ही काबिज थे। दरअसल राज परंपरा के मुताबिक बड़ा बेटा ही नवाब की सारी संपत्ति का हकदार होता था। नवाबी खत्म होने पर खानदान के दूसरे लोगों ने बंटवारा राज परंपरा के बजाय शरीयत के हिसाब से करने की मांग करते हुए 1972 में कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से ही बंटवारा करने के आदेश दिए।
पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी है और उन्हें ये काम दिसंबर 2020 तक पूरा कराना है। इसके लिए जिला जज ने चल और अचल संपत्ति के सर्वे और मूल्यांकन के लिए अलग अलग एडवोकेटेड कमिश्नर नियुक्त किए हैं।